क्या रे, तू हमारे आदमियों को बार बार उठाकर लेकर आता है? अब तक टाइम पे मिल जाता ना तेरे को? इतनी चर्बी क्यों चढ़ी है? लगता है तेरे ट्रांसफर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार, क्राइम ब्रांच, वेलकम सर। सर ये इंस्पेक्टर भरत। सर ये हमारे कॉन्स्टेबल्स। हेलो सर। वो है इंटरोगेशन रूम और सर वो रहा आपका रूम। चलो सर, हमारे अंडर 12 इलाके आते हैं पर ज्यादातर प्रॉब्लम तीसरे इलाके में होती है, बाकी सब नया चिकना कौन है रे? ए चल बाहर जा, चिल्लाता का क्यों? रात को मिलना आके, मस्त ठंडा ठंडा तेल से मालिश करेगी तेरे को। मैं पसीने छूट गए, झटका लग गया, लगड़ा भी चाहिए। झटके देने के लिए तो तन्ने यहाँ बुलाया है। सुन रे, थारे डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ थारा प्रमोशन किया है, लेकिन इस थाने में थारी पोस्टिंग करवाई है मैंने। रे, इस नक्शे में जिस गांव का नाम भी नहीं है, उस गांव में मन ने बुला के तूने मारी पुछ लगवा दी। अब मैं यहाँ थारे पुछ लगवाऊंगा, क्योंकि अब तू हमारे एरिया में है। साढ़े बेजती की पारी अब थारी, घूण के आंसू रुलाऊंगा थन्ने, तू हमारे से माफी मांगने के लिए तरस जाएगा। यही वर्दी पहनकर तू हमारे को अपना दम दिखा रहा था, अब यही वर्दी निकाल कर मैं थारे को रास्ते पे नंगा घुमाऊंगा। कान खोड़ के सुन ले खाकी वर्दी, आज से थारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मारी चुटकी के इशारे पे मारे आदमी थारी ऐसी बजाएंगे कि तू चुटकी बजाने के काबिल नहीं रहेगा। समझ गया छोरे? हम सब जेल में जाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुझे क्या मतलब है? हमें जेल में डाल। तू जेल में डाल वरना हम खुद चले जाएंगे। बिना कसूर के मैं जेल में नहीं डाल सकता, जाओ यहाँ से। इसके लिए गुनाह करना पड़ेगा क्या? तो ये ले तेरी को। पुलिस वाले बहुत मारना। अबे रुक क्यों गया, मारना। अभी तू मुझे अरेस्ट करेगा, फिर तू ही मुझे शंकर सेठ के पास तुम हिलाता हुआ छोड़ने आएगा। एसीपी साहब लाइन पे है। अरे देखो, इसके बाप का फोन आ गया। सो, तुमने शंकर सेठ के आदमी को क्यों अरेस्ट किया? छोड़ो उन्हें। मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है सर। तुम उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। कल सुबह 8 बजे आ जाना। ओके सर। उसके घर पर पत्थर किसने फेंका? मैंने फेंका था भाई। हा? मैं तो उसका सर ही फोड़ने वाला था, ये तो जग्गा बीच में आ गया। डर के मारे वो कल्ली गांव चला जाता। स्लम एरिया में मर्डर हो गया सर। मर्डर? हमें किसी ने यहाँ से फोन किया था एक मर्डर के बारे में। किसने किया था? कैसे हो साहब, क्या रोज मर्डर होता है। इस कसाई ने आज 2 बकरे और 4 मुर्गियां काटी है। मैंने आपको फोन किया था, इसे ले जाइए और फांसी की सजा दीजिए सर। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया। जानू, मुझे तुमसे अभी मिलना। क्या पहन के आऊं? क्या हुआ? मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तुम रिजाइन करना चाहते हो? फिलहाल तुम गुस्से में हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इन्हें मैं गोली मार दूंगा। हाँ तो मार दो ना, बंदूक गोली मारने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं। मारना शुरू किया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम गांव चले गए तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? और तुम आईने में अपनी शक्ल देख पाओगे? तरीका सही हो या गलत, एक पुलिस वाले का काम है समाज से गंदगी को हटाना, और तुम इन गुंडों से डर के अपने फर्ज से भाग रहे हो। भाग नहीं, पीछे हट रहा। ऐसा तुम्हें लगता है, पर लोग क्या सोचेंगे? यही कि सिंगम डर के भाग गया। मैं एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुआ, एक महान गांव में बड़ा हुआ, मैंने हमेशा अच्छे काम किए, लेकिन ये शहर कीचड़ से भरा है और मैं अपनी वर्दी पर ये कीचड़ के दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो पीछे हटने के बजाय इस गंदगी को साफ कर दो। मैं उस सिंगम से शादी नहीं कर सकती जो डर के मारे भाग रहा है। मुझे मेरा वो सिंगम चाहिए जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मैं लोगों की रक्षा करने वाले उस शेर से शादी करना चाहती हूँ जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता है। कहाँ गई वो मर्दानगी?
दिन एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी की और तुमने उसका पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। कहाँ गई वो हिम्मत? एक पत्नी होने के नाते मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति पे किसी भी तरह की मुसीबत आए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर। भाई लोग, ये वही है सुन रहे ना, तो शंकर भाई का कसम ले रहा है, शम्या के साथ आए रहा है। क्या आइटम बाप ये तो, अरे तूने सिंगम में ऐसा क्या देख लिया रे, कभी हमको भी आजमा के देख ले। नहीं देता गाड़ी छोड़ साला, यही कहीं छुपा होता। बाइक तोड़ दी ना, और तुम वो क्या देख रहे हैं, चल रिवर्स ले। अरे उस दिन पुलिस स्टेशन में बहुत उछल रहा था, मुझे अरेस्ट करो अरेस्ट करो, बहुत शौक है ना अरेस्ट होने का, ले अरेस्ट कर दिया तुझे भाई, अरेस्ट करके आसमान तो दिखा दिया, अब पाताल भी देख ले। ऐसा मत करना, महंगा पड़ेगा। जा अपने भाई को फोन लगा, 40 फीट हवा में लटक रहा हूँ, किसी भी वक्त भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, देखता हूँ कैसे बचाता। पागल हो गया क्या, छोड़ दे मैं, छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दे इन्हें। केस बना। जाना पड़ेगा भाई, सुनो भाई, छोटो मैटर है भाई, मारे ऊपर छोड़। अबे छोटी बात ना रही, मारे छोरों को अरेस्ट किया है, चलो गाड़ी निकालो। पर भरोसा ना है कि अगर भाई जाते तो मामला और बिगड़ जाता, अब अपने को ही उस इंस्पेक्टर को डंडा करना पड़ेगा। क्या चाहिए? काव्या मैडम ने दिया है, उसे थैंक्स कहना। ऐसे ही शेर बने रहो मेरे सोना। के इंस्पेक्टर, सुनो है कि आजकल थारी बॉडी बहुत गर्म हो गए, तो सोचा कि थारी बॉडी पर बर्फ डाल के ठंडा कर दूं। भाई देख, थारे साथ तो मेरा कोई प्रॉब्लम ना है, तो फिर ये रोज रोज का किट किट क्यों? बीते हुए कल को भूल जा और चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर। भाई के साथ काम करेगा तो हम और गुटली दोनों खाएगा। कैसा काम? अरे मारे छोरों को जेल से आजाद कर दे, और के FIR दर्ज हुई है। बाढ़ में गई थारी FIR, कागज को टुकड़े फाड़ देना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी। अरे कौन पूछे, थारे लिए टेम्पो भर के भिजवा दूंगा। साला पुलिस वाला। देख देख देख। ए हुई ना अपनों वाली बात। क्यों बे? FIR क्यों फाड़ा तूने? हैं? FIR क्यों फाड़ा तूने? साला ये भी मजाक कर लो है। FIR क्यों फाड़ा तूने? FIR फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? को मालूम मैंने, मैं किसका भाई हूँ?
तू ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा भाई सत्युग का राम है और तू लक्ष्मण। वो एक गटर चाप गुंडा है और तू सड़क चाप। तूने मेरे पुलिस स्टेशन में आकर बहुत बड़ी गलती की है, बिना मेरे परमिशन के बैठने की गलती की है, और तूने सबसे बड़ी गलती की है मेरे इन फूलों को तोड़कर। अब मैं तुझे तोड़ूंगा। तुम लोगों को सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। अब देख कैसे शंकर गुंडे की हुकूमत जड़ से उखाड़ता हूं। मैं तुम लोगों की हस्ती मिटा दूंगा। रवि सर, गाड़ी में गैर कानूनी शराब है, केस बनाओ, मीडिया को बुलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किसी के भी खिलाफ जब चाहो तभी केस ठोक सकते हो? तुमने FIR कैसे फाड़ी और उस बेचारे जगह को तुमने खामखा फंसा दिया? सबसे पहले उसे रिहा करो। आपका बयान कोरे कागज पर लिख कर दीजिए, छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें लिख के दूं? मैं? सब लोगों को पता है कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं, धोखे से उसे फंसा है। क्या था? आप कह रहे हैं हमने इसे धोखे से फंसा है? ये बेचारा है? क्या कहना चाहते हैं आप? इल्जाम लगा रहे हैं इस पुलिस स्टेशन में जितने ऑफिसर हैं सब झूठे हैं? आपके इस जग्गा ने पुलिस स्टेशन में आकर FIR फाड़ी, उसने हमारे साथ हाथापाई की और आप कह रहे हैं उसे छोड़ दूं? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर से जो लोगों का नहीं है और गुंडों के तलवे चाड़ता है। किसी क्राइम को रोकने के लिए और किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी पोस्ट वोस्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दम चाहिए। तू एक छोटे से गांव का एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर शहर में आने के बाद अपने आप को शेर समझने लगा, मुझसे ऐसे बात करता है? भले ही मैं एक छोटे से गांव का पुलिस इंस्पेक्टर हूं, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूं। चाहे शहर हो या गांव, मेरे लिए मेरा फर्ज ही सब कुछ है, समझे तुम? सरकार सबको एक सी वर्दी देती है, लेकिन फर्ज निभाने की आग अंदर से आनी चाहिए, वो आग सिंघम। असिस्टेंट कमिश्नर, पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठते हो, मुझे एसी की आदत नहीं। जिस गंदगी को तुमने पना दिया उसे तुम्हारे सामने मैं मिटाऊंगा। मैं क्या सस्पेंड करोगे, डिसमिस करोगे? तो कर दो। आज तक जो भी किया है खुद के दम पर किया है, मेहनत और खून पसीने से किया है। जिस गांव से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा, खेतों को अपने पसीने से सींच कर जिंदगी गुजार लूंगा। तेरे जैसा कुत्ता बनकर हराम का पैसा नहीं खाऊंगा, निकाल यहाँ से। भूल मत, मेरे अंडर ऐसे 10 पुलिस स्टेशन है। तेरे अंडर में चाहे जितने पुलिस स्टेशन हो, पर मेरे अंडर में बस एक पुलिस स्टेशन है, और मेरे पुलिस स्टेशन में आकर कोई मुझे ललकारे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकालो।